हमारी खबरों के साथ बने रहने के लिए IC24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और सबसे पहले हमारी न्यूज प्राप्त करें। देश की राजधानी दिल्ली और यूपी के कुछ हिस्सों में एक अलग सी बीमारी फैल रही है। कोरोना काल के बीच एक रहस्यमयी तरह के बुखार ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। इस बीमारी से 10 दिनों में करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की है। डॉक्टरों ने इस अलग तरह के इन्फेक्शन को स्क्रब टाइफस का नाम दिया है। ये इन्फेक्शन एक टिक बाइट नाम के कीड़े के काटने से फैल रहा है। टिक बाइट नाम का कीड़ा शरीर के जिस भी हिस्से में काटता है उस हिस्से में खास तरह का निशान बन जाता है और ये इन्फेक्शन कुछ ही समय में फेफड़ों पर असर डालने लगता है। इसके बाद शरीर के कई अंगों के फेल हो जाने का खतरा बढ़ जाता है। कोरोना की तरह इस बीमारी का भी अभी तक कोई इलाज नहीं है। स्क्रब टाइफस कितना खतरनाक है, आइए आपको बताते हैं। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी कि CDC के मुताबिक स्क्रब टाइफस को शर्ब टाइफस भी कहते हैं। ये ओरेंटिया तुत्सुगामुशी नाम के बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया ट्रॉम्बिक्यूलिरे माइट यानी दीमक के डंक में मौजूद होता है, जिसे रेड माइटस चिगर्स या स्क्रब इच माइट्स भी कहा जाता है। स्क्रब टाइफस बीमारी के लक्षण काफ़ी हद तक चिकनगुनिया से मिलते हैं। इसके लक्षण में व्यक्ति को बुखार, नाक बहना, सिर दर्द, शरीर और मांसपेशियों में दर्द होता है। वहीं ये सभी लक्षण चिगर्स के काटने के 10 दिनों के अंदर दिखने लगते हैं। वहीं इससे बचने के लिए आपको अपने कपड़ों और बिस्तर पर परमेथ्रिन और बेंजिल बेंजोलेट का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि इससे लार्वा माइट्स मरते हैं, लेकिन इस बीमारी की कोई वैक्सीन या दवा अभी तक नहीं है। इसका एकमात्र इलाज संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाना है। इसके अलावा डॉक्टर्स अभी इससे बचने के लिए हाथ पैर ढककर रखने की सलाह दे रहे हैं। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।